हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है आशा देवी को। यार उन्होंने इतना एक्यूरेट कैसे बताया यार, लोग चार बोल रहे थे, तीन बोल रहे थे, उन्होंने 3.5 बोला और वही सही हुए। ओके, सो आज का व्लॉग जो है ना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इसमें मेरे पापा और मम्मी का आप एक्सेंट लैंग्वेज सुनोगे कि वो लोग कैसे बोलते हैं। स्लेट पेंसिल शॉपिंग देखोगे, मेरा स्टॉक दिखाऊंगी और फिर से स्लेट पेंसिल मैं रोस्ट की हूँ, तो ठीक है थोड़ा यूनिक करना चाहिए। मेरे लिए यही यूनिक है भाई। तो मैं उठते के साथ देखी ना, तो देखी कि अरे सब्जी बना हुआ है, साग बना हुआ है। वो मम्मा पहले ही बना ली थी उठने से पहले, क्योंकि मम्मा की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है। तो पानी पी ली मैं, पानी पीने के बाद फ्रेश फ्रेश हो ली, लेकिन मेरे को पता नहीं आज कौन सा नशा चढ़ा था, बहुत नींद आ रहा था यार मेरे को। तो लग रहा था बस सो जाऊँ, पर फिर भी नहीं सोई, धूप में चली गई बैठने के लिए। और धूप में बैठने के बाद ना चली गई किचन, और फिर किचन में जा करके ना देखी कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सब्ज़ी बन गया था, साग बन गया था, तो आज दाल बनता नहीं क्योंकि सब्ज़ी वैसा बन गया था कि चावल का खा सकते हैं। तो मैं ना चावल बना दी, और मुझे बस चावल के बाद अब रोटी बनाना था। देखो पहले ना मेरे को ये चावल का जो पानी आता है वो गिराने नहीं आता था, बट मैं ना बहुत छोटे में ही सब कुछ सीख ली थी, बहुत छोटे में। सच्ची बता रही हूँ कि नॉर्मल उतने हाँ सीख सकती है, बट मैं बता रही हूँ मेरी दीदी भी नहीं, जब आता था ना तब मेरे को आ गया था ये सब, बट बड़े होकर के ना मेरी दीदी को सब कुछ आ गया और मैं भूलते गई, मतलब करना छोड़ दी। बट अब मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि दीदी तो यहाँ हर है भी नहीं। तो ना ये ना रात का आटा बचा हुआ था, ठीक है। तो वही मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा ये रात का आटा कैसे बचा हुआ है, मैं तो नहीं छोड़ी। मम्मा बोलती है कि तुम ही छोड़ी थी बेटा, तेरे को याद नहीं है। बोली ओ ठीक है, मैं छोड़ी होंगी, रात को आटा नहीं छोड़ना चाहिए, बट पता नहीं कैसे छूट गया। तो थोड़ा सा आटा था और फिर मुझे थोड़ा और सानना था और फिर मुझे रोटी बनाना था। मम्मा जब ठीक रहती है ना उनको बिल्कुल, वो क्या बोलती है पता है, बोलती है अब तुम मत करो, अब जब तक मैं ठीक हूँ ना अब सारा काम मैं करूँगी, ऐसे बोलती है। बट ऐसा होगा नहीं, और भैया भैया और मैं मिलकर करने भी नहीं देंगे। भैया तो मेरे अजीब ही हैं, भैया तो बोलते हैं मम्मा का तबीयत खराब रहे या ना रहे उनको बेड रेस्ट दे दो भाई, उनको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन मम्मा ही नहीं मानती है। और हाँ ठीक है, जब मम्मा का तबीयत खराब रहता है तो मैं खुद नहीं चाहती कि मम्मा भी रहते हैं मेरे सपोर्ट करने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नहाने से पहले चली गई स्लेट पेंसिल लाने के लिए, क्योंकि मेरा स्लेट पेंसिल ख़त्म हो गया था। मैं जा करके देखी वहाँ पे, 5 दे दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम है एक, पेटीएम का स्कैनर नहीं रखे हैं आप, नंबर में कर दे 5735 रुपये हो गए। हाँ ठीक है, पेटीएम का नंबर में कर दो मेरा 8340, ठीक है। और एक पेटीज अच्छा वाला नहीं है ये, तो अच्छा वक्त ना ये वाला नहीं, कुछ रॉबिन करता है अंदर में, माता करा क्या को बोले 5 हाँ। अरे क्या बोल रही है ये ला दो मेरे को, वो कर दिए बैगन आप बोलती है, वो अपना भाषा में बोल दे, ला दो दिए दे। न्यू ब्रांड का स्लेट पेंसिल मिला था और वहाँ से लेकर के मैं आ गई, बट बकवास स्लेट पेंसिल था। उसके बाद मैं ना पेटीज लेकर के आई थी घर में, तो ब्रश कर ली और नहाने से पहले ही आज मैं खा ली पेटीज को, क्योंकि भूख लगी हुई थी यार। ठीक है तब नहीं, मेरे से नहीं होता, हाँ मैं नहा कर ये खाती हूँ, बट नेसेसरली ना ज़्यादा मैं शनिवार और मंगलवार ये दोनों बिना नहाए कभी नहीं खाती हूँ, और ऐसे सारे दिन ना मैं बिना नहाए खा सकती हूँ, एक्सेप्शन है कि हाँ नहाना है या नहीं, मतलब खा के भी नहा लेती हूँ। एंड प्लीज़ डोंट जज इसमें कि प्लीज़ खा के नहाया करो, मतलब नहा के खाया करो, बड़ी हो जाऊंगी ना जब शादी वादी हो जाएगी मेरी तब ये सब अपनाऊंगी, अभी बच्ची हूँ अभी मेरे को बच्ची रहने दो। फिर मैं आ गई स्लेट पेंसिल रोस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं ना ट्राई की थी, मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैं ऐसे ही खाई। इतना बकवास स्लेट पेंसिल मेरे को आज तक नहीं मिला था, छी बालवीर ब्रांड स्लेट पेंसिल से बेकार है, लाल कोठी नेम है। तो ना एकदम क्रंची नहीं, एकदम ना टेस्ट ना क्रंची, भाई टेस्ट ना रहे क्रंची तो होना चाहिए। मैं सोची कि चलो क्रंची करने के लिए ना रोस्ट कर लेती हूँ, भाई साहब रोस्ट करने के बाद इतना पछता रही थी ना, टूट ही नहीं रहा, मतलब वो क्रंची नहीं हुआ, वो हार्ड हो गया। क्रंची और हार्ड में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। तो ना
हार्ड हो गया और बिल्कुल क्रंच नहीं कर पाई थी। मैं सोची कि बेटा अब तो अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, पानी में भिगोऊंगी फिर भी तो नहीं हो पाएगा, और जी गया बर्बाद गया मेरा। अच्छा हुआ कि 3 ही पैकेट स्लेट पेंसिल रोस्ट की। बहन अभी भी उतार ले, मौका है उतार ले। मैं सोच रही थी कितना ज़्यादा ये ब्लैक सा हो जाए, लो ब्लैक करने के चक्कर में हार्ड हो गया पत्थर की तरह कि मैं क्रंची नहीं कर पा रही थी। और फिर ना ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि स्टोन है ना, बहुत 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 ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर ना मैं इसको रख दी और तावा को अच्छे से मांज दी, वरना मैं मम्मा से गाली सुनती। फिर मुझे रोटी बनाना था, आटा रखा हुआ था। फिर मैं ना वीडियो बना ली थी इससे पहले जो क्लिप था ना, उसमें वीडियोज़ बना करके आई हूँ, क्रंच वीडियो बना करके आई हूँ रोटी बनाने के लिए। और पेटीज खाने के बाद ना भूख जैसे कि गायब ही हो गया था, इसलिए मुझे नहाने का भी मन नहीं कर रहा था जल्दी। ऐसे ना रहता है कि मुझे खाना है तो नहाना है, इसलिए ना जल्दी नहा लेती थी, लेकिन पेटीज खाने के बाद ना भूख मर गया था मेरा। तो मैं सोची अरे चलो अब आराम से सारा काम कर लूँगी तब नहाऊँगी। तो मैं यहाँ पर रोटी बना ली और सब्जी तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आज का काम मेरा बहुत ईजी था, मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। और ना मुझे थोड़ा सा आलसपन टाइप का सुबह को आ रहा था, बट उसके बाद नहीं। और ये जो मेरा पार्सल आया था ना, उसका स्टॉक मैं सजा करके रखी थी, ये क्यूब हो गया, स्लेट पेंसिल, ये देखो सब कुछ, बार नकुमट्स सब रखी थी अपने ड्रॉवर में, तो ये उसी का स्टॉक है। ये ग्रूव्स है, चिप्स, और ये अनसेव्ड वाइट, और ये क्रम्बल्स है कुछ जो टूटा फूटा निकला ना वो। और फिर ना मैं जो खाना बनाई थी वो खाली नहाने के बाद नहा ली हूँ, और ये खीरा था रखा हुआ। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे सैलेड से ना बहुत ऑब्सेशन है, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक बात बताऊँ, मैं जब पार्टी वगैरह जाती हूँ ना खाने के लिए, तो मैं वहाँ से स्टार्टर वगैरह से ज़्यादा ना मैं सैलेड खाया करती हूँ। और क्रेविंग के रूप में मैं खाई ब्लैक टुकड़ा, स्लेट ग्रूव्स का ब्लैक टुकड़ा था, तो मज़ा आया खाने में। और फिर उसके बाद ना मेरे, जब से मैं हेयर कट ली थी ना उसके उस तब से मैं ना अपने हेयर को स्ट्रेट नहीं की थी, थोड़ा सा कर्व आ गया था मेरे बालों में, ये देखो थोड़ा कर्व आ गया था, क्योंकि सोती हूँ ना थोड़ा कर्व आ जाता है, इसलिए ना स्ट्रेट करना ज़रूरी रहता है थोड़ा सा। बहुत दिन से नहीं करी थी, सोची कि चलो ठीक है आज टाइम मिला तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अपने हेयर स्ट्रेट करने के बाद ना कब शाम हो गया पता ही नहीं चला यार, मतलब आज ट्यूशन भी नहीं था, एक्चुअली ट्यूशन भी ऑफ था, एग्ज़ाम सबका शुरू हो गया है ना, तो फिर जो CBSE, मैं तो जैक बोर्ड हूँ, जो CBSE वाले हैं ना वो बोले कि ठीक है ट्यूशन अभी नहीं आ सकता हूँ, रिवीजन करने दो। तो फिर ना रात का, मतलब सुबह का सब्ज़ी था जो कि बहुत टेस्टी बना था, तो मैं उसको लेकर के बैठ गई खाने के लिए। उसमें ना सेब मिला के, ऐसे कौन कौन खाता है बताना ज़रूर, इसके वजह से मैं बदनाम भी हो चुकी हूँ, क्योंकि ना मैं ये बचपन से मेरा ये आदत है सब्ज़ी में सेब मिला के खाने का, तो लोग मुझे बोलते भी थे ये कौन सा आदत है, बट ठीक है अगर पागल बोलते पागल सही, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में सेब भुजिया मिला के खाना। उसके बाद एज यूजुअल मुझे क्रेविंग हुई और मैं खाई स्लेट पेंसिल, मुझे स्लेट पेंसिल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने नकुमट का टुकड़ा खा लिया, मुझे बहुत बेकार लगा स्लेट पेंसिल वो वाला। और फिर आप लोग सुनिए यहाँ पे पापा का एक्सेंट, ठीक है खरगोश रख लेते हैं दोनों मेरे के लिए, सुगा रखो, सुगा पिंजरा ला देते हैं, सुगा रखो उसका वीडियो लाइए, सुगा लाइए लाइए, हाँ सुगा ला देंगे अभी चैत में तुलसी बाग में बेचता है, ला देंगे सुगा, दो गो ला देंगे पिंजरा ला देंगे, सुगा रखो उसको, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा सीता रहा है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। क्यों अभी नहीं बिकता है? अभी नहीं बच्चा देता है, बच्चा कुपोषण को बुढ़वा दे रखे में, अच्छा अभी नहीं तरहारी बनी मरला में फेर ले लिया अथी कर लिए सुगा का पोसा लिए अथी ओकर बाद
दीदी उठेने चली गई पिंजरबा सहित उ दिन से हमरा घर में जे खत्म होले फूट वाली मरला के बाद में लेगल उठा के हैं तरहारी में लेके मरला के बहुत सुबह मरिए गेले तरहारी में लेके जिंदे में बिलैयो अथी हो गेले आ बिलैयो मरी बिलैयो ले रहले बिलैयो गेले बिलैयो हम पढ़े नहीं हलिए बिलैया का हम अथी नहीं करा दिया वाले बिलैयो मरी। अब उतना कोई मानता है कि सोना का बिल्ली देना पड़ेगा तो ये तो हमारा धार लकई नहीं तब ना हमें कह रहा हमारा साथ घटना घटा ले तीन गो घटना घट ले हमारा घर बिलाय से बाबू मना कर रहा थी नहीं मान रहा थी तो रे अथी के तो घर के लेकर के देख ले ना वो तो होने का था तो हो गया होगा उसी टाइम पे तो क्या कर सकते सुनो पापा से बात ये हो रही थी ना मैं बोल रही थी कि मुझे कुत्ता रखना है मतलब पपी रखना है अपने घर में पापा बोलते हैं हम लोग के घर में नहीं रहता है ये सब मत रखा करो ऐसे कोई मर जाता है मतलब जैसे अगर बिल्ली मर जाती है तो फिर सोना का बिल्ली दान करना पड़ता है मैं ना ये तोता ला के दे दूँगा तुम तोता रखना मैं बोल रही थी कि आप ला देना तोता फिर वही रात का फिर मैं भुजिया बना दी और फिर रोटी बना दी और मुझे ना जो भुजिया है ना वो क्रिस्पी होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है क्रिस्पी भुजिया बना करके रोटी बना ली ये लास्ट रोटी था और मैं हंस रही थी कि मैं आज सुबह से बस खा ही रही हूँ भाई साहब मतलब चार क्लिप में तो बस ठूस ही रही हूँ मैं इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी खुद पे बट ठीक है। और पता है ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना वो मेरा फेवरेट प्लेस है मुझे बहुत पसंद है ये रिंग लाइट जला करके उस चेयर पे बैठना मैं पता है अपना ज़्यादातर टाइम ना वहीं बैठ करके बिताती हूँ और रिंग लाइट जला ही रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोन के सामने। और ना ये ना मूली का पत्ता का भुजिया था ग्रीन मुझे पसंद है एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट यू ऑल बट मुझे पसंद है। और फिर ये ना मुझे आज क्रेविंग को ज़्यादा नहीं हो रही मुझे नहीं मैं ज़्यादा खाना खाई इसलिए तो ये क्यूब था मिनी क्यूब ब्लैक वाला जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा ब्लैक वन इज़ माई फेवरेट यू नो। और फिर लास्ट में मैं दूध पी ली। आप लोगों को दूध पसंद है या नहीं ये बताना मुझे दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वही मैं ना फेस वॉश करने के लिए चली गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और आज का कोई क्वेश्चन नहीं है बस जिसको शॉर्ट आउट चाहिए वो कमेंट में लिख देना मैं आप लोगों को शॉर्ट आउट दे दूँगी ठीक है। आज का कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आया मैं क्वेश्चन क्या पूछूँ। देख रहे हो इतना ठंडा पानी थोड़ा पिंपल ना कम होता है इससे मैं क्या बताऊँ अब कम होता है नहीं होता है मेरे को नहीं पता बट ठीक है अगर होता है तो मैं रिलेट कर लेती कि वो ठंडे पानी से की थे ना इसलिए कम हुआ ऐसा। ये कौन सा स्टाइल है यार चश्मा लगा करके तो क्या करूँ हेयर बैंड मिलता ही नहीं है और छोटे छोटे जो हेयर होते हैं ना वो मेरे रबड़ से बनता ही नहीं है इसलिए मैं ना चश्मा लगा लेती हूँ। और फिर मैं लगाई अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र मामाज़ अर्थ का क्रीम आप लोग भी ट्राई करो सीरियसली बहुत अच्छा होता है सीरियसली जितना ज़्यादा मसाज करोगे ना रात में मसाज करके सोओगे ना अपने फेस को उतना ही ज़्यादा सुबह को ना आपका जो फेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। मैं नहीं करती हूँ मसाज उतना ज़्यादा क्योंकि ठीक है थोड़ा सा करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ बट आप लोग को मैं रेकमेंड करूँगी मसाज बहुत ज़्यादा किया करो फिर सुबह को उठ करके फ़ायदा देखना और मॉइस्चराइज़र खूब लगाया करो अपने फेस पे बहुत सारा। ओके गाइज तो ठीक है मिलते हैं कल के व्लॉग में बाय।